गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। कल जैसे हमने पढ़ा था सरकार क्या है, आज हम करते हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू का अर्थ होता है कि मल्टीपल जो चॉइस होती है उसमें से लिए जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में चार आंसर होते हैं, किसी एक पर आपको टिक करना होता है। जिस तरह इसमें दे रखा है सरकार के अंग हैं, तो उसके सरकार के जो हैं वो तीनों अंग है, विधानपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। तो इसलिए हमने डी उपरोक्त सभी को लगवा दिया। सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? सरकार जो है तीनों स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है वो कार्य करती है। तेलंगाना को राज्य कब बनाया गया था? तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया था। लोग किस माध्यम से सरकार को चुनते हैं? लोग मतदान के द्वारा चुनते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। इस प्रकार क्या चीज़ होती है? सफरेज का अर्थ क्या होता है? सफरेज का अर्थ होता है दान देने का अधिकार। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कब सब लोगों को वोट देने का अधिकार देने के लिए लिखा था? 1931 में। महिला मताधिकार आंदोलन ने कब जोर पकड़ा? तो 1931 में। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष की गई है।